हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 16 क्लास 10 साइंस। इन जस्ट वन शॉट और बहुत छोटे से टाइम में खत्म हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ये जो वीडियो है ना, ये एनसीईआरटी के एक एक लाइन का निचोड़ है। तो आपको कुछ नहीं करना है इस वीडियो को देखने के बाद, बस आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना, खत्म सारी चीज खत्म। बस एक और चीज कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक दी है ना, उसको जरूर देख लेना। उसमें सारी 15 मिनट्स की जो वीडियोस है ना, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम, भाई बात करेंगे रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहली हेडिंग बनती है रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज का मतलब है हर वो चीज जो हमारे काम की है, जो हमारे लिए यूजफुल है, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। चाहे वो हमारी टेबल हो, पेन हो, पेपर हो, फैन हो, कॉपी हो, हवा हो, पानी हो, सारी की सारी चीज हमारे लिए क्या है, रिसोर्स, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे काम की है। तो भाई रिसोर्सेज को हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया। एक होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचर ने हमें डायरेक्ट दिए हमारे काम के हैं, जो डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, में डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, हमारे लिए जो है यूजफुल है। तो हमने कहा भाई ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। आप यहां देख सकते हो, ये सारे के सारे मिनरल वाटर, एनिमल्स, ये डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके बाद जो हमने मॉडिफाई करके, जिनको हमने प्रोसेस करके, जिनमें अपना दिमाग लगा के हमने, ह्यूमंस ने बनाया, उसको कहा जाता है मैनमेड रिसोर्सेज। जैसे नेचर से हमें क्या मिली, नेचर से हमें लकड़ी मिली डायरेक्टली, लेकिन हमने बेंच बनाई, समझ रहे हो। नेचर से हमें पानी मिला, लेकिन हमने उससे, उस पानी के हेल्प से इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या बनाई, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी मैनमेड रिसोर्सेज। समझ आ गया। तो भाई रिसोर्सेज का मतलब क्या, हमारे काम की चीज जो नेचर से डायरेक्ट मिल रही है काम की चीज, वो नेचुरल रिसोर्स। जो ह्यूमन ने जो उसको मॉडिफाई किया, वो मैनमेड रिसोर्स। उसके बाद रिसोर्सेज को फर्दर क्लासिफाई किया, तो हमने कहा कि भाई एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज किसको कहते हैं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्स जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जो एग्जॉस्ट होने वाले, जो खत्म हो जाएंगे उसको एग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होंगे टाइम के साथ उनको कहा इनएग्जॉस्टेबल, जैसे कि एयर, हवा, पानी, मिट्टी, ये खत्म कभी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि भाई ह्यूमंस ने, इंसानों ने रिसोर्सेज का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि उसको वेस्ट किया है, उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कर रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है, उसका सही से यूज ना करना, उसको वेस्ट करना, ठीक है ना। एक्सप्लॉयटेशन वर्ड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, एक्सप्लॉयटेशन यदि हो रहा है तो फिर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना जरूरी है, बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन दैट मींस वेस्टेज काफी ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, रिसोर्सेज जो हमारे हैं, क्योंकि टाइम के साथ खत्म हो जाएंगे, इनकी अगर कमी होगी तो फिर बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा हमारी फ्यूचर जनरेशंस को। इसलिए रिसोर्सेज का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो पहला जो एक्शन प्लान, जो बहुत बड़े लेवल पर जो स्टार्ट किया गया, दैट इज गंगा एक्शन प्लान। क्या गंगा एक्शन प्लान, क्योंकि गंगा जो है भाई कितनी बड़ी रिवर है, जो कि 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स में फैली हुई है। अब 2500 किलोमीटर अप्रॉक्स में फैली, दैट मींस पूरे भारत देश को पानी देने का एक बहुत बड़ा काम करती है, ठीक है। तो फिर ये गंगा का जो पानी है, ड्यू टू डेड बॉडीज, ड्यू टू बहुत सारा सीवेज वाटर जा रहा है, काफ़ी सारी गंदगी इंडस्ट्री से लेकर के, हर जगह से लेकर के काफ़ी सारी गंदगी गंगा के पानी में जा रही है, जिसके कारण से जो गंगा का जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टामिनेशन, दैट मीन बहुत सारी जो गंदगी है, मिलावट है, पॉल्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे लाइफ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर इसको साफ करने के लिए, वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गंगा एक्शन 1985 में स्टार्ट किया गया, जिसका जो मेन मोटो था, टारगेट था, वो है गंगा के वाटर की क्वालिटी को इंप्रूव करना। भाई गंगा के पानी में कॉलीफॉर्म, जो कि एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये गंगा के वाटर में बहुत बड़े अमाउंट में मिला, बहुत बड़े अमाउंट में, जिसका साफ साफ इंडिकेशन है, जो पोल्यूशन का साफ साफ इंडिकेशन है कि ह्यूमन की डेड बॉडीज के कारण, ह्यूमंस के कारण ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इस पानी में पाया गया है। अब आप सोच लो कि कितना ज़्यादा बैक्टीरिया पाया गया, कि भाई तो अगर इतना ज़्यादा बैक्टीरिया पाया गया तो ह्यूमंस का कितना बड़ा हाथ है इस नदी को पॉल्यूट करने में, है ना। तो आपसे पूछा है कौन सा बैक्टीरिया, तो कॉलीफॉर्म जो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये गंगा के पानी में पाया गया। और क्या भाई, गंगा के वाटर पानी को जो है ना एसिड टेस्ट इसका करके देखा, तो बहुत ज्यादा एसिडिक मिला, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब देखो,
कॉलीफॉर्म, जो कॉलीफॉर्म है 1993-1994 में इसके जो टेस्ट किया गया, एमपीएन का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जो कि इसकी पर यूनिट वॉल्यूम की डेंसिटी को बताएगा। हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी को बताएगा भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है ना कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया गया, तो मिनिमम डिजायर्ड लेवल जो था ना वो इतना है। जबकि कितना कन्नौज में देखो कितना ज्यादा पाया गया, इससे कितना ज्यादा ज्यादा पाया गया, तो इसका मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। दैट मीन्स ये चीज़ सही नहीं है और इसको अच्छे से बहुत ज़्यादा जो है ना इसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर या फिर देखने में नजर आता है। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान के बाद बहुत सारे मेजर्स जो हमें खुद को लेने चाहिए वो है 3 आर्स। एक्चुअल में क्या है ना, 3 आर्स का मतलब रिड्यूस रिसाइकल रीयूज है, लेकिन इसके बाद टाइम टू टाइम जो है ना चीज़ों में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है, तो गवर्नमेंट ने या फिर हम जैसे लोगों ने ही कहा कि भाई 2 आर्स में और जोड़ दो, रिफ्यूज एंड रीपर्पज। ठीक है ना, इन सबको देखते हैं। देखो अगर हमें मैनेज, अगर हमें एनवायरनमेंट को पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर रखना है तो हमें कुछ चीजों को जो है ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि रिड्यूस का मतलब क्या है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज का जितना कम यूज हो सके उतना कम हमें यूज करना है, या फिर मैं कहूं जितना बचा सकते हैं उसको उतना बचाना है, जिसको हमने कहा रिड्यूस। रिड्यूस मींस यूजिंग लेस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, फालतू यूज नहीं करना है किसी भी चीज को, अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। भाई अगर आपको भाई जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की यूज नहीं है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मत यूज करो, है ना। अगर टीवी फालतू चल रही है, अगर हम कोई मोबाइल चला रहे हैं तो टीवी को बंद कर दो, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी दैट मींस क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, फिर हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए और ज्यादा जो है ना रिसोर्सेज का सहारा लेना पड़ेगा। रिड्यूस के बाद आता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब है कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, अब हम उसको प्रोसेस करके, उसको सफाई करके, उसको क्लीनिंग करके केमिकल से या फिर किसी भी तरह से उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, जिसको हमने कहा रिसाइकल। रीयूज का मतलब क्या है, रीयूज का मतलब भी उसको बार बार यूज करना। जैसे कि मान लीजिए भाई जेम का बॉक्स अगर हमें मिला, ठीक है ना, जेम कंटेनर, अब उस कंटेनर को एक बार धो के हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, अपने जो है किचन में यूज कर सकते हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो हम उसको रिसाइकल। और रीयूज में क्या डिफरेंस है कि रीयूज का मतलब है हम दोबारा से उसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, भाई एक बार धो लिया रीयूज कर लिया। रिसाइकल में क्या होता है कि बड़ी प्रोसेस, दैट मीन्स कुछ एनर्जी का हमें खर्च करना पड़ता है, मशीनिंग वगैरह का इसमें ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अगर बड़े लेवल पे बात करें, छोटे लेवल पे तो ये भी आसानी से हो जाता है। ठीक है, रीयूज। अब इसके बाद बात करेंगे रिफ्यूज। रिफ्यूज ये जो 2 आर हैं ये और एडिशनल में जोड़ दिए गए हैं। भाई रिफ्यूज का मतलब है से नो टू थिंग, भाई आपको चीज़ों को जो है मना करना है, है ना। जैसे कि प्लास्टिक को मना करिए, यहाँ पर क्या है भाई कम से कम यूज़ करिए, और यहाँ पर क्या है प्लास्टिक को मना ही कर दो। हाँ, रीपर्पज का मतलब क्या है कि अगर आपने एक चीज़ को एक बार यूज़ कर लिया, आप जैसे मान लीजिए ये जो है ना अब आपकी किचन के काम नहीं आ रहा है, है ना, अब जो है ना ये किचन में काम नहीं आ रहा है, कार लग रहा है, आप इसको यूज नहीं करोगे तो भी इसमें जो है ना प्लांटेशन कर दो, ये फिर अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रिपर्पज हो गया। नाउ अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें मैनेजमेंट इस तरह से करना है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहे, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सस्टेन करें, एक लंबे टाइम तक टिके रहे, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे जो है ना अर्थ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फिर ये रिसोर्सेज अपने आप ही जो है पर यूनिट जो मैं या अगर कहें कि भाई पर हेड जो रिसोर्सेज पड़ रहे हैं ये काफ़ी कम पड़ रहे हैं, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करना है, क्योंकि अगर आज हम खा लेंगे तो आने वाली जनरेशन कैसे उसको यूटिलाइज करेंगी। आगे बात करेंगे कि भाई रिसोर्सेज में सिर्फ पानी ही नहीं है ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना ये बड़ी बात है। देखो फॉरेस्ट जो कि हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट में आपको हर एक तरह की प्रजाति स्पीसीज मिलेंगी, चाहे आप स्पीसीज की बात करें, चाहे आप एनिमल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, या फिर प्लांट्स की ट्रीज की। आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब है कि आपको हर तरह की चीज़ें वहाँ पर, स्पीसीज वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो भाई फॉरेस्ट यदि जो है ना कटते चले जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन होता जाएगा, तो फिर ये सारी की सारी स्पीसीज खत्म होंगी, जिससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, और ये चीज़ सही नहीं है। तो भाई नीड क्या है फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, बिकॉज ये जो फॉरेस्ट है वो हैबिटेट है, रहने का एरिया है न्यूमरस स्पीसीज के लिए, चाहे प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। इसके बाद फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल इरोजन, मिट्टी के जो है ना बहाव को ये रोकते हैं, रूट्स उनको पकड़ के रखते हैं मिट्टी को। भाई फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे तो बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स जो है, जो हमारे
डायरेक्टली जिनसे मेडिसिन बन रही है वो खत्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट ऑक्सीजन एंड वाटर साइकिल को जो है रेगुलेट करता है। उस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट रखता है उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। अगर हम बात करें फॉरेस्ट के लिए स्टेक होल्डर कौन है, तो भाई वो लोग जो फॉरेस्ट की सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं या फिर फ्यूचर में जो फॉरेस्ट की सिचुएशन होगी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। जो लोग फॉरेस्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं उसको हम कहेंगे स्टेक होल्डर्स, ठीक है ना। अब स्टेक होल्डर्स जो है चार टाइप के हमने कैटेगराइज कर दिए। क्या कि भाई लोकल पीपल, वो पीपल जो फॉरेस्ट के अराउंड रह रहे हैं, जिनकी फॉरेस्ट पर लेवलीहुड जो है ना फॉरेस्ट पर ही टिकी हुई है। इसके अलावा जो लोग लकड़ियां काट रहे हैं, जो लोग वहीं से अपना छोटा मोटा गुजारा कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं भाई लोकल पीपल, ठीक है ना। जो फॉरेस्ट के अराउंड है, गांव में जो लोग रह रहे हैं उसको हम लोकल पीपल कह देंगे, है ना। डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेन काम होता है कि किस तरह से फॉरेस्ट में जो कंजर्वेशन करना है ना, कितना जो है ना ग्रास लैंड को काटना है, कितना जो है बचा के रखना है, किस तरह से हम सर्विलांस करेंगे, है ना। जो आप देखते हैं कि भाई जो तस्करी जो होती है, जो जो कहेंगे भाई रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स है उनको किस तरह से बचा के रखना है, ये सारा का सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फॉरेस्ट के जो है लकड़ियों से किस तरह से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे कि पेपर को बनाया जा रहा है लकड़ियों से, तो भाई ये इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है, ठीक है ना। अब इनका जो फर्ज बनता है कि रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करें, है ना, या फिर करवाए। इसके बाद वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, ये वो लोग होते हैं जो खुद के मन से, जैसे आप देखते हो समाज से भी सोशल वर्क जो करते हैं उसको हम कहते हैं भाई वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट, है ना। सोशल वर्क का मतलब है जो ट्रीज से जुड़े हुए सोशल वर्क कर रहे हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए सोशल वर्क कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। तो आप देखते हो कि स्पेशल जो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई जो लोग एनजीओ वगैरह चला रहे हैं या फिर किसी तरह का जो ना वेलफेयर जो फंड चला रहे हैं, ये लोग इस पर फॉरेस्ट को काफी ध्यान देते हैं, और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको भी देखने को मिलेंगे। तो भाई इनको आप, ये चार स्टेक होल्डर्स के आपको नाम याद रखने हैं। अब देखिए फॉरेस्ट को बचाने के लिए ये नहीं है कि भाई आज से काम चल रहा है या 10-20 सालों से, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी जान तक दे दी। जैसे कि जो आज के टाइम पे जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ये जो अमृता देवी जी थी, इन्होंने जो है ना अपनी 363 लोगों के साथ मिलकर के अपनी जान तक दे दी खेजरी ट्रीज को बचाने के लिए, राजस्थान में जो है ना, राजस्थान में खेजरी ट्रीज है उनको बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी 363 लोगों के साथ मिलकर। ये आप देख पा रहे हैं, ये अमृता देवी विष्णु जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ, अब इसके बाद चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है ये काफी जो है ना फेमस हुआ कि भाई एक कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा मिल जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को फॉरेस्ट का, या फिर कहें भाई कॉन्ट्रैक्टर को गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था कि आपको जो है ना इस फॉरेस्ट को कट करके जो भी आप यूज करना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा फॉरेस्ट से प्यार था, इतना ज़्यादा जो है ना वो उस पर डिपेंडेंट थे कि उन्होंने, वहाँ की जो लेडीज थी वो फॉरेस्ट को उन्होंने हक कर लिया और बोला कि आपको पहले हमें काटना पड़ेगा इनको काटने से पहले। तो चिपको आंदोलन, दैट मीन्स ये फॉरेस्ट चिपक गए, इसलिए इसको कहा गया कि भाई ये चिपको आंदोलन है। और इस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लोग अपनी जान पर खेलने को भी तैयार थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भाई लोगों को, है ना, मतलब यहाँ पर जैसे आप ये देख रहे हो लोकल पीपल ये कितने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट की सिचुएशन है उसके लिए। अब लोकल पीपल का एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सेल फॉरेस्ट। हाँ, सेल फॉरेस्ट या फिर कहें भी साल फॉरेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है। अब इसके लिए जो है ये साल फॉरेस्ट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपने पास पूरी तरह से रख ली थी, लोकल पीपल को वहां से खत्म कर दिया, तो फिर साल फॉरेस्ट धीरे धीरे जो है ये खत्म होने लग गया। क्यों? अगर जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट या कोई भी ट्री बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो अब उसका क्या होगा, अब इसके बाद ये सूख जाएगी पत्तियों के फॉर्म में और फिर ये खत्म हो जाएगी। जैसे कि घास जो होती है, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी फिर ये क्या होगी, ये खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी, अब इसका कोई भी यूज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर ग्रेजिंग होती रहे, एनिमल्स ग्रेजिंग करते रहे, तो फिर क्या होगा, ये पुरानी घास खत्म होती जाएगी और नई घास आती जाएगी। धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई इस तरह से फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो फिर वहां के एक बहुत ज्यादा कहें कि भाई एक विजनरी ऑफिसर थे एके बनर्जी, ये कहां पर, वेस्ट बंगाल में, हां मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की ये इंसिडेंट है, एनसीईआरटी में आपको लाइन टू लाइन लिखा हुआ मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया कि भाई लोकल पीपल को, जो वहां के लोकल
नॉलेजेबल पीपल थे, उनका साथ लिया, उनका सहारा लिया कि भाई आप भी इसमें सहयोग करें, आप भी कंट्रीब्यूट करें, अपने शीप्स वगैरह को, अपने एनिमल्स को आप यहाँ पर ग्रेजिंग करा सकते हैं। और धीरे धीरे देखते लोकल पीपल का साथ लेते लेते देखते ही देखते इस ज़मीन की जो कीमत हो गई, उस जो फॉरेस्ट की जो कीमत हो गई पूरी तरह से ख़राब और बंजर हो चुका था, उसकी जो कीमत हो गई 12.5 करोड़ जो है 1983 में 10 साल बाद ये लगाई गई। समझ रहे हो, ये लकड़ियों से इतना जो है ना अमाउंट मिल पाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और जो भी हार्वेस्ट हुआ, जो भी जो है ना वहाँ पर होगा, उसको 25% वहाँ के लोकल पीपल को उसका प्रॉफिट दिया जाएगा। तो इस तरह से लोकल पीपल का जो है ना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में, ठीक है ना। अब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो भाई पोचिंग दैट मीन्स शिकार पर, हंटिंग पर पूरी तरह से जो है बैन लगा दिया गया, ये एकदम पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है इस पर पूरी तरह से अपनी नज़र सर्विलांस बना के रखता है, स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं किस तरह से वाइटल एनिमल्स को जो है बचाना है। इसके अलावा नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स को या फिर सेंचुरीज को जो है इंक्रीज किया जा रहा है, सो दैट एनिमल्स को एक हैबिटेट मिल सके जो कि उनके लिए अच्छा हो। अब देखिए, आप देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वाटर को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है ना, इरिगेशन हम वहाँ से कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वाटर के बिना मतलब जल नहीं है तो जीवन नहीं है ना। तो देखो, अब वाटर को कंजर्व करने के लिए डैम बनाए गए, क्या बनाए गए, अब डैम। अब डैम के जो है ना काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर बात करेंगे एडवांटेजेस की, तो ये क्या करता है, ये बहुत सारा एडिक्वेट अमाउंट में पानी जो है ना स्टोर कर लेता है, जो कि कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन वगैरह में, सिंचाई वगैरह में जो है ना सफिशियंट हो जाता है, sufficient to satisfy need, electricity बनाई जा सकती है और अलग अलग region में इसको supply किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना dams का भी कुछ loss है, क्या loss है कि dams से हर किसी को equal amount में पानी नहीं पहुँच पाता। एक चीज़ और कि भाई यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर dam बनाए जा रहे हैं, canals बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए tribe area में लोग रह रहे हैं या उस डिपार्टमेंट उस एरिया में लोग रह रहे हैं, तो अब उनको जो है ना अपना हैबिटेट चेंज करना पड़ेगा और उनका उसको कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अपनी जगह को, घर को छोड़ के जाना पड़ेगा, अब उसको कंपेंसेशन जो है गवर्नमेंट उतना भी नहीं दे पाती जितनी उस प्रॉपर्टी की कीमत उसको जो है ना नई प्रॉपर्टी खरीदने में लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन वगैरह जो है ना डैम और कैनाल्स बनाने में होता है, इसका यूज़ भी है और जो है ना भाई कहीं लिमिटेशंस भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा वाटर कंजर्व करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग दैट मीन्स एक जगह पर जैसे मान लीजिए बरसात का पानी आ गया, तो अपने घर में एक बड़ा सा गड्ढा करके या फिर घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा करके या फिर पूरी सोसाइटी में एक बड़ा सा जो है ना गड्ढा करके उसमें जो है ना पानी जाता रहेगा और ये यहाँ से ज़मीन के अंदर भी जा सकता है। और इसके अलावा हम इसका इरीगेशन सिस्टम अपने गार्डन वगैरह में बना सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब एक जगह पर वाटर को कलेक्ट करके रखना और उसके बाद हम भी यूज़ कर सकते हैं और वो ग्राउंड में भी जा सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ यूजेस है, ये आपको पढ़ लेना चाहिए कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग में जो पानी है ये वेपोरेट नहीं होता है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर कंटामिनेशन नहीं होती है कि मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट, एनिमल वेस्ट वगैरह आ गया, मॉस्किटो ब्रीडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, नाउ आगे बात करेंगे भाई, यहाँ पर एक सिस्टम है वाटर को कंजर्व करने का, एक वाटर शेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं हम इसको। ये एंशियंट मेथड है वाटर मैनेजमेंट का, जिसका जो है ना अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम है, लेकिन राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा मतलब फेमस नाम जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं खादिन, क्या कहते हैं खादिन, ठीक है ना। अब ये खादिन सिस्टम क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि भाई इस तरह का अगर एरिया है, तो यहाँ पर एक बड़ी सी जो है ना दीवार बना दी जाती है, एक बड़ी सी वॉल बना दी जाती है, इसको हम खादिन बूंद कहते हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से अगर पानी आता यहाँ से आया, अब ये यहाँ पर एक वॉल बना दिया, पानी को रोक दिया, इससे क्या होगा कि अगर यहाँ पर एक लंबे समय तक पानी टिका रहेगा तो ये वाटर सीपेज, दैट मीन्स ये वाटर धीरे धीरे नीचे जाएगा और इससे ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद तालाब वगैरह ये सारी चीज़ें वाटर शेड मैनेजमेंट का ही जो है एक फीचर है। आगे बात करेंगे कि और भी कंजर्वेशन हमें करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल को आप जानते हो कि ये जमीन के अंदर से निकलते हैं, जब फॉसिल्स को एक्स्ट्रा प्रेशर मिला तो कोल बना, पेट्रोलियम बने। अब ये कोल एंड पेट्रोलियम जो है लिमिटेड है, क्या है कोल एंड पेट्रोलियम, क्या है लिमिटेड है। जितना हम जो है ना इसको एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जितनी जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इसका यूज कर रहे हैं, उतनी रैपिडली उतनी फास्टली ये नए नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे और कुछ अल्टरनेटिव को यूज़ करना पड़ेगा। जितना कम हो सकता है फॉसिल्स को हम यूज करें, जितना जो सीएनजी वगैरह पर व्हीकल्स को चला सकते हैं उतना चलाएं। इसके अलावा सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, इनका यूज करना बहुत जरूरी है। भाई डिसएडवांटेजेस तो मतलब ये क्या हो गए, ये स्टेप्स टू मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। और इसके अलावा अगर हम ये यूज करते हैं सोलर, विंड पावर, तो फिर हम जो है ना
तो फिर हम इसका अल्टरनेटिव भी जो है निकाल सकते हैं, दूसरा रास्ता इसका निकाल सकते हैं और कोल एंड पेट्रोलियम को कंजर्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज भाई पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि इनका जो कंबशन होता है बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से बचाना भी है, तो आपको ये सारी चीज करनी है, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ के रखा होगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो पाया होगा, और अब इसके बाद आपको बस एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लगा लेने हैं, पीवाई की उसको एक बार जो है नजर मार लेनी है और सॉल्व कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। इसके साथ साथ भाई डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दिया उसको जरूर विजिट करें, आपका प्यार भरा जो भी कमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के दिखाएं, जिससे मुझे पता पड़ेगा कि भाई ये वीडियो आपके काम आ पाई, और कंप्लीट प्लेलिस्ट जिसमें 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट में खत्म किया गया इस चैप्टर को जरूर विजिट करें। गुड लक टू यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू गाइस।